दोस्तों, आज हम आपको साईं बाबा से जुड़े एक चमत्कार की कहानी सुनाएंगे। इस घटना के विषय में साईं चरित्र नामक पुस्तक में बताया गया है और यह चमत्कार छिपकली के विषय में है। एक बार साईं बाबा अपने भक्त के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे, तभी अचानक एक छिपकली के चिक चिक करने की आवाज़ आने लगती है। तभी भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा क्या छिपकली के चिकचिकाने का कोई मतलब होता है? क्या इसका शुभ अशुभ कोई मतलब होता है? तब बाबा बोले, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसलिए यह खुशी से फूली नहीं समा रही। उस भक्त को बाबा की बातें समझ नहीं आई। कुछ समय बाद एक आदमी घोड़ा गाड़ी में औरंगाबाद से बाबा के दर्शन के लिए आया और वह व्यक्ति जैसे ही बाबा के दर्शन करने के बाद जाने लगा तो उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि घोड़े को भूख लगी थी। तब उसने चने की एक थैली निकाली और धूल झटकने के लिए थैली को झटका, तभी उस थैली से एक छिपकली झटक कर गिरी और वह सबके देखते ही देखते दीवार पर चढ़ गई। और वो भक्त जिसने ये सवाल किया था वह देखता रह गया। छिपकली तुरंत दूसरी छिपकली के पास जा पहुंची और दोनों छिपकली दीवार पर चारों तरफ भाग भाग कर खेलने लगी और चिकचिकाने लगी। इस चमत्कार ने सभी को अचंभित कर दिया। दोस्तों, हमारे भारत में अनेकों सिद्ध संत हुए हैं और आज भी ऐसे सिद्ध संत हैं जिनके द्वारा अनेकों चमत्कारिक घटनाएँ होती रही हैं, और कह सकते हैं यह भी ईश्वर के होने का एक प्रमाण है। इस कहानी में बस इतना ही। हमारे चैनल मिरेकल ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।